Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप लोग? और मैं आपका एजुकेटर अभिजीत मिश्र आपके साथ, और आज हम बात करने वाले अपने करंट अफेयर शो की. और हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे मोटिवेशनल कोच के साथ. पैटर्न हमारा सेम रहने वाला है. आज आपके लिए एमसीक्यूज भी हैं, तो एमसीक्यूज के लिए आपको रुके रहना है, बिकॉज एमसीक्यूज का रिविजन होना बहुत जरूरी है. और भूलिएगा नहीं, शाम को 5 बजे सितंबर के हम 101 शुभ शुभ एमसीक्यूज की बात करने वाले हैं. तो शुरुआत करते हैं आज के अपने मोटिवेशनल कोच के साथ, जो ये रहा आपके सामने. बड़ा ही प्यारा मोटिवेशनल कोच है. क्या बोला गया है? If you can't stop thinking about it, don't stop working for it. अगर वास्तव में कभी कभी क्या होता है कि लाइफ में हम बड़े निगेटिव फेज में चले जाते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी IBPS PO मेंस का रिजल्ट आया. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और अच्छे बच्चे हैं, आप में से कुछ लोग होंगे. लेकिन बात को समझिए कि अब आपका दिल टूट चुका है. लेकिन फिर भी अगर आपको अंदर से ये फीलिंग आ रही है, यार काश हमारा हो जाता सिलेक्शन, हमने तैयारी की है, तो ज़रूर करिए, कभी गिव अप मत करिए. तो If you cannot stop thinking about it, you don't stop working for it. सोच रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको IAS बनना है, तो क्यों नहीं? आपको और आगे जाना है, क्यों नहीं? Why? तो करिए, जो भी आपको सोच रहे हैं उसको करिए, बिकॉज अगर आप सही सोच रहे हैं तो सही सोच रहे होंगे. आइए शुरू करते हैं आज के अपने पहले लिस्ट के साथ. और पहला इंडेक्स यहाँ पर सामने आ चुका है, जहाँ पर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं वो सारी बात करेंगे. सबको गुड मॉर्निंग, सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं. सब लोग शुरू करते हैं आज का अपना बड़ा ही प्यारा करंट अफेयर शो, जो आपका करंट अफेयर्स है, जो आपने बनाया है. तो ये सब कवर हम करेंगे आज. आइए शुरू करते हैं. तो पहला पॉइंट यहाँ पर अगर हम बात करें, तो आप देख पा रहे हैं कि अब तक की सबसे दूर की वस्तु खोजी गई है स्पेस में. तो मोस्ट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एवर डिस्कवर्ड. अब ये ऑब्जेक्ट क्या है? ये ऑब्जेक्ट मे भी हो सकता है कोई गैलेक्सी हो, मे भी कोई स्टार हो, या दूसरा सन हो. तो अब तक की सबसे दूर वस्तु खोजी गई है, ये है क्या एग्जैक्टली में? साइंटिस्ट अब इसका पता लगा नहीं पाए हैं. तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, आपको इनका नेम पूछा जाता है, इसका नाम क्या रखा गया है. तो आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको. देखिए, साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड द मोस्ट डिस्टेंट बॉडी एवर ऑब्जर्व्ड इन आवर सोलर सिस्टम. ठीक, तो हमारे सोलर सिस्टम की अब तक की सबसे दूर की वस्तु खोजी गई है. ये वस्तु क्या एग्जैक्टली में अभी नहीं पता. इसका नाम रखा गया है, इसका नाम रखा गया है फार आउट. ये आपको देखना है, इसका नाम रखा गया है फार आउट. ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में. ठीक है, फार आउट नाम रखा गया है. अब देखो ये कहाँ पर है वो बात कर लेते हैं. इट इज़ लोकेटेड ओवर 100 times फर्दर देन अर्थ इज फ्रॉम द सन. मतलब कि जो दूरी अर्थ की सन से है, उसके 100 times दूर पर यह खोजा गया है. मतलब कितने दूरी पर यह खोजा गया होगा. ठीक है, अच्छा अब देखो, इट इज़ लोकेटेड अबाउट 120 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट फ्रॉम अर्थ. अब ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक नई चीज मालूम चली हमें. तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, इसके बारे में आपको हम इंफॉर्मेशन देते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर. तो सबसे दूर की वस्तु खोजी गई है, इसका नाम क्या रखा गया है फार आउट, आप यहां पर देख पा रहे हैं. तो ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, आइए इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं. देखिए, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की होती है, वह पृथ्वी से सन की जो डिस्टेंस है उसके बराबर होती है. आप यहां पर देख पा रहे हैं, ठीक है. तो पृथ्वी से सन के बराबर दूरी का 100 गुना ज्यादा दूर पर यह ऑब्जेक्ट है. बहुत बड़ी बात है ये. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको थोड़ा सा दिखाते हैं साइंस यहां पर. देखिए, तो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज डिफाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन. ये आपने देख लिया. ठीक, आगे देखिए, तो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की डिस्टेंस कितनी होती है, आप यहां पर डिस्टेंस देख पा रहे हैं. अगर आपको ये डिजिट याद नहीं करना है, तो आप इतना याद कर लिए, 150 मिलियन किलोमीटर, मीन्स 93 मिलियन माइल्स, इतनी दूरी है सन की अर्थ से. तो ये इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी. अच्छा, इसके बाद देखिए, इट इज अब यहां पे लाइट ईयर की बात हो रही है. मतलब हमने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात कर ली, अब लाइट ईयर की बात करते हैं. लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर भी डिस्टेंस मापने के लिए होता है. तो पृथ्वी से सन की जो दूरी है, क्या उससे भी दूर कुछ चीजें होती हैं? अगर होती हैं तो उसको हमको मेजर करना पड़ेगा. तो यहां पर आपको हम लाइट ईयर के बारे में इंफॉर्मेशन देना है. वन लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर. 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर, मतलब ये उससे भी दूरी नापने के लिए बनी है, वन लाइट ईयर. ठीक, देखिए अब ये लाइट ईयर क्या होता है, तो आपको थोड़ा मैं समझाता हूं. देखिए, अगर मान लीजिए कि आपने अर्थ से अपना टॉर्च वर्टिकली खड़ा कर दिया, टॉर्च, और जला दिया, तो ये टॉर्च की जो जो प्रकाश है वो कहीं तो जाएगा. तो आपके टॉर्च की प्रकाश
एक साल में जितना दूर जा सकती है उसे एक साल में, उसे हम क्या बोलते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं। आपके टॉर्च का प्रकाश जितना दूर जाएगा उसे हम लाइट ईयर बोल सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर लाइट ईयर के बारे में मैंने डेफिनेशन दी है, और वन लाइट ईयर इज इक्वल टू 63240 AU, मतलब कि लाइट ईयर और भी दूरी नापने के लिए बना हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कन्वर्जन क्या है इसका, लाइट ईयर कितनी दूरी मापता है, और पार्सेक, तो क्या लाइट ईयर से भी दूर कुछ है? जी हाँ, पार्सेक है, और पार्सेक में देखिए 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.08 × 10^16, यानी सबसे लंबी दूरी नापने के लिए पार्सेक बना हुआ। ये इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं, आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन में मजा आएगा और आप इसे समझेंगे ये क्या इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है आज। ठीक है, चलिए तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई, आगे हम बात करते हैं। तो आपको हम थोड़ा सा सोलर सिस्टम समझाते हैं। तो पृथ्वी से सबसे पास ग्रह कौन सा है? मरकरी। और सबसे दूर कौन सा है? नेपच्यून। मरकरी, वेनस, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, जुपिटर, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, और फिर नेपच्यून है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपने देख ली कि सन से सबसे दूर कौन सा ग्रह है या सन से सबसे पास ग्रह कौन सा है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिल्म एंड एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, हमारा दूसरा आज का पॉइंट। और यहाँ पर देखिए पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस इन ऑस्कर। तो एक मूवी है हमारे इंडिया की पीरियड End of sentence, ये ऑस्कर में नामित की गई है। अब किस कैटेगरी में नामित की गई है हम उसकी बात भी करेंगे, लेकिन आप लोग के लिए एक बुरी खबर ये है कि जो हमारा विलेज रॉक स्टार मूवी नामित हुई वो ऑस्कर से बाहर हो चुकी है। तो यहां पर एक मूवी है पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस इन ऑस्कर में गई है, आइए किस कैटेगरी में गई है हम उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए तो पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस जो है हैज मेड इट टू द ऑस्कर शॉर्टलिस्ट इन द डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी। तो ऑस्कर में ये नामित हुई है। आपको मैं पहले इंफॉर्मेशन दे दूं कि ऑस्कर में टोटल 24 कैटेगरीज में अवार्ड दिए जाते हैं, 24 कैटेगरी में। तो उसमें से एक कैटेगरी होती है डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी, उसमें यह मूवी को लिया गया है। तो बेसिकली यह मूवी किस बारे में है आपको यहां पर इंफॉर्मेशन मिल रही है, और यह मूवी रियल लाइफ पैडमैन, अभी अक्षय कुमार की मूवी आई थी ना पैडमैन, तो रियल लाइफ पैडमैन जो कि इनका नाम है अरुणाचलम मुरुगनंतम, इनके ऊपर भी बनी हुई है, आप यहां पर देख पा रहे हैं। तो इस मूवी को ऑस्कर में जगह मिली है। किस कैटेगरी में जगह मिली है तो वो भी देख लीजिए, तो डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी, और देखिए यहाँ पे बताया गया है कि विलेज रॉक स्टार जो है ये ऑस्कर से बाहर हो चुकी है, एक बुरी खबर आपके लिए भी है। तो विलेज रॉक स्टार ऑस्कर से बाहर हो चुकी है, और कौन सी मूवी को ऑस्कर में एंट्री मिली है ये इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी। चलिए आगे बढ़ते हुए कुछ ऑस्कर अवार्ड के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, क्या आपको ऑस्कर अवार्ड में पढ़ना पड़ सकता है। तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन यहां पे आ रही है, देखिए ऑस्कर अवार्ड में 24 अवार्ड फॉर आर्टिस्टिक एंड टेक्निकल मेरिट के लिए दिया जाता है, 24 अवार्ड, ये इंफॉर्मेशन। और हर साल ऑस्कर को कौन ऑर्गेनाइज करता है इसकी बात कर ले, देखिए अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेस, ये जो देखिए ये हर साल ऑस्कर को सेलिब्रेट करता है, ऑस्कर को ऑर्गेनाइज करता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, तो इसको भी आपको समझना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं इस बार के ऑस्कर विनर्स का। कल भी हमने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी थी और आज भी आपको हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो आराम से देख लीजिएगा। अवार्ड विनर बेस्ट एक्टर की बात करें तो गैरी ओल्डमैन, बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट, हम पूरी इन्फॉर्मेशन कल भी दे चुके हैं। तो ऑस्कर प्राइज के विनर तो आपको याद हो गए होंगे आई होप, क्योंकि आप करंट अफेयर शो डेली फॉलो कर रहे हैं, कोई भी कमी आपको नहीं करनी। चलिए शुरू करते हैं, आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, और यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल इश्यूज की बात हम करने जा रहे हैं। और देखिए कैबिनेट गिव्स नॉट टू लॉ अमेंडमेंट फॉर आधार, तो कैबिनेट जो है ये आधार के कानून में कुछ अमेंडमेंट संशोधन करने वाला है, क्यों करने वाला है आइए समझते हैं। देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि आधार इज नॉट मैंडेटरी, आपको याद होगा कुछ दिन पहले कि आधार मैंडेटरी नहीं है, और इवन आप प्राइवेट जो कंपनीज हैं, प्राइवेट जो बैंक्स हैं, उनको आप आधार कार्ड दे नहीं सकते हो क्योंकि इससे डेटा का मिसयूज हो सकता है, यह सुप्रीम कोर्ट ने बोला। यानी कि जो आधार का लॉ है उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसी गड़बड़ी को दूर करने जा रही है। गवर्नमेंट का कहना यह है कि अगर आधार कार्ड को हम बैंकों से लिंक नहीं कराएंगे तो लोग अपना ब्लैक मनी इजिली व्हाइट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो गवर्नमेंट चाहती है कि आधार में कुछ ऐसी तब्दीली हो कि सुप्रीम कोर्ट भी इसे रोक ना पाए। तो आइए क्या बात है, आइए देखते हैं आगे और आपको समझाते हैं पूरी बात। यहां पर देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, द कैबिनेट अप्रूव्ड अमेंडिंग द टू एग्जिस्टिंग लॉ टू प्रोवाइड लीगल बैकिंग फॉर सीडिंग ऑफ बायोमेट्रिक आधार कार्ड विथ मोबाइल नंबर्स एंड बैंक अकाउंट। तो गवर्नमेंट दो लॉ में चेंज करेगी ताकि ये पूरी तरह से फिजिबल हो जाए कि आधार कार्ड को बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर से लिंक करना ही पड़े, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी ना बोल पाए। देखिए तो कौन सा कानून है जिसमें अमेंडमेंट होगा आपको वो बात समझनी पड़ेगी, और ये कानून है द टेलीग्राफ एक्ट 1885।
द टेलीग्राफ एक्ट 1885 के दो सेक्शन में, दो लॉ में चेंजेस किए जाएंगे. अभी ये दो लॉ कौन से हैं अभी पता नहीं है. तो ये चेंजेस होने के बाद क्या है, सुप्रीम कोर्ट भी गवर्नमेंट को ये करने से रोक नहीं पाएगा. द टेलीग्राफ एक्ट 1885 इंपॉर्टेंट हो गया है, याद रखिएगा. और वैसे मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि 2017 में वैसे भी इसका अमेंडमेंट हुआ था, लेकिन फिर से इसका अमेंडमेंट होने वाला है, या तो 18 के लास्ट में होगा या 19 में होगा. तो ये इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा नहीं है. आगे बढ़ते हैं. तो आधार के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें, क्योंकि ये हमारे करंट अफेयर शो का ट्रेंड है कि हम आपको थोड़ी सी नहीं, हम पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं. कुछ भी आप पढ़िए, कुछ भी एग्जाम में आपके आ सकता है, ठीक है. चलिए, वेरी गुड. सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं, सब लोग आपस में बात भी कर रहे हैं, वेरी गुड. बातचीत होनी चाहिए, बातचीत कहा गया ना, बात से बात बनती है. अगर बात न किया तो बात कैसे बनेगी, है ना भाई लोग. चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग किसकी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं. तो आधार में कितने डिजिट होते हैं, तो आधार में 12 डिजिट होते हैं, जो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है. और आधार कार्ड को इशू कौन करता है, तो आधार कार्ड को इशू करता है UIDAI, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है. UIDAI आधार को इशू करता है. देखिए, इट विल सर्व एज आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ. तो इसमें आपका आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ दोनों होता है, ये तो पता ही होगा आपको. आगे बढ़ेंगे, ये दो फॉर्म में अवेलेबल है, एक फिजिकल और एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जिसे हम ई आधार भी बोलते हैं. और सबसे लास्ट पॉइंट देखो यहाँ पे क्या है, आधार इज नॉट वैलिड डॉक्यूमेंट टू प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला हुआ है, तो हमने नोट में आपको एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है अभी. हाँ, हो सकता हो कि जो चेंजेस करेंगे गवर्नमेंट उसके बाद में भी कुछ हो जाए ऐसा, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देखो यहां पर एक इंफॉर्मेशन में दी, मैंने क्या बोला कि गवर्नमेंट कह रही है कि लोग ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर लेंगे. तो क्या हमारे देश में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कोई एक्ट है, तो बिल्कुल है. यहां पर देख लीजिए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002. आपको बस याद रखना है कि ब्लैक मनी को रोकने के लिए हमारे देश में कौन सा एक्ट कब पास हुआ था, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002. अगर आपने मेरा यूट्यूब पर KYC और मनी लॉन्ड्रिंग क्लास देखा होगा, तो मैंने इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन क्लास में दी हुई है. आप वहां से भी हमारा इसमें और डीप में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है. तो 2002 भूलिएगा नहीं, ये कब पास हुआ था, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में बात करें, तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं. ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर देखिए, तो तीन ऑब्जेक्टिव हमने आपको यहाँ पर दिखाए. To prevent and control money laundering, to confiscate and seize the property obtained from the launderer's money, मतलब कि जो ब्लैक मनी से कोई आपने असेट या प्रॉपर्टी क्रिएट की है उसको रोकना, उसको सीज करना, और to deal with any other issue connected with money laundering in India, ठीक है. चलिए, तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है. आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट की बात देखिए, तो ट्रांसजेंडर बिल जो है ये लोकसभा में पास कर दिया गया. ट्रांसजेंडर बिल, तो ट्रांसजेंडर्स के बारे में आप जानते होंगे कि ये ऐसे पर्सन होते हैं, ये ऐसे मेल या फीमेल होते हैं जो अपना जेंडर चेंज करा लेते हैं, मेल से फीमेल या फीमेल से मेल. तो ट्रांसजेंडर्स को अभी तक हमारे देश में मुश्किल क्या आ रही है. फॉर एग्जाम्पल, आप जब किसी एग्जाम का फॉर्म भरते हैं तो उसमें दो ही कैटेगरी आती है, या तो मेल या तो फीमेल. तो ट्रांसजेंडर्स के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं की गई है, इन्हें कोई सेपरेट एंटिटी का दर्जा नहीं मिला है. तो ट्रांसजेंडर्स की डिमांड थी कि हमारे लिए सेपरेट एंटिटी का दर्जा मिले. अभी एक केस मुंबई में हुआ था, एक पर्सन था ट्रांसजेंडर जो गया जॉब करने के लिए, हाईली क्वालिफाइड, लेकिन उसकी कंपनी ने बोला कि आपको हम अपॉइंट कैसे करें, बिकॉज हमारे रिक्रूटमेंट फॉर्म में केवल दो ही पॉइंट है, या तो मेल या तो फीमेल. तो ट्रांसजेंडर्स की बात करते हैं, तो इनके लिए सेपरेट एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट हमारे देश में नहीं है. तो उसी लिए एक बिल पास किया गया है लोकसभा में. आइए देखते हैं क्या क्या पॉइंट आपको यहां पे समझने हैं. देखिए यहां पर, ऑन 17 नवंबर द लोकसभा पास द ट्रांसजेंडर्स पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट बिल 2016. यानी पहले तो आपको इस बिल का नाम पता होना चाहिए, ट्रांसजेंडर्स पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट बिल 2016. जी हाँ, 2016 में पहली बार ये पारित किया गया था, ठीक. अब देखिए, द बिल सीक्स टू एम्पावर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी बाई सेपरेट आइडेंटिटी. जो हम बात कर रहे थे कि इनकी एक सेपरेट आइडेंटिटी होनी चाहिए, ठीक है. द बिल ऑल्सो सीक्स टू डिफाइन ट्रांसजेंडर्स एंड प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट देम. इस बिल में यह भी बताया गया है कि इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं हो सकता है, ठीक है. तो ये इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी. तो सबसे पहली बार ये बिल पेश हुआ था लोकसभा में 2016 में, जो कि 2018 में लोकसभा से पास हो गया है. राज्यसभा से भी हो जाएगा, बिकॉज इतना कोई इसमें कोई डिस्प्यूट वाला पॉइंट नहीं है, तो ये होना ही होना है. चलिए, तो ये पॉइंट हमने आपको दे दिया. आगे बढ़ते हैं और आपको थोड़ा सा लोकसभा के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं. लोकसभा, आपने हमेशा देखा होगा टीवी पर, लोकसभा में गवर्नमेंट का बहुमत मेजॉरिटी होती है, आपको पता है. तो लोकसभा में जो चुने जाते हैं लोग, वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं. तो आइए देखते हैं क्या क्या पॉइंट यहाँ पर. देखिए, लोकसभा की बात करें तो इसको लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी कहा जाता है. राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है और इसको लोकसभा को लोअर हाउस बोला जाता है. आगे देखें, मेंबर जो है वो डायरेक्टली जनता के द्वारा चुने जाते हैं, 5 साल का इनका टेन्योर होता है. टोटल स्ट्रेंथ है 552, 530
रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट, 530 हर स्टेट से चुने जाते हैं, 20 जो पर्सन होते हैं वो यूनियन टेरेटरीज चुने जाते हैं, और 2 जो हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के हो सकते हैं जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, एंग्लो इंडियन। ठीक, तो ये इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात है, तो क्वालिफिकेशन आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा, ये कई बार आप लोग पढ़े होंगे क्लास 2, 3, 4, 5, मतलब सबने पढ़ा होगा कि क्या क्या क्वालिफिकेशन हो सकती है लोकसभा में जाने की। ठीक है, स्पेशल पावर की बात करें तो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस यहाँ पे दिखाया गया है। अगर कभी ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, अब उनकी मेजोरिटी है, लेकिन उनकी मेजोरिटी में कुछ सांसद जाके कांग्रेस से मिल जाए और कांग्रेस की मेजोरिटी हो जाए, तो वो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस लगा के सरकार को हटा भी सकते हैं। ये लोकसभा की स्पेशलिटी है। ठीक, मनी एंड फाइनेंशियल बिल हमेशा और हमेशा लोकसभा में ही पेश होता है, कभी राज्यसभा में पेश नहीं होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अंडर आर्टिकल 352 एक बड़ा ही अच्छा वर्णन किया गया है। अंडर आर्टिकल 352 अगर प्रेसिडेंट कभी नेशनल इमरजेंसी का केस करता है कि नेशनल इमरजेंसी होनी चाहिए, तो अगर लोकसभा में मेजोरिटी है और 50 से ज्यादा लोग एक सिग्नेचर कर दे कि नहीं इमरजेंसी हमें नहीं चाहिए, तो इमरजेंसी हट सकती है, जैसा कि 1975 में इंदिरा गांधी केस में हुआ था। दैट टाइम इमरजेंसी क्यों नहीं हटी, बिकॉज वहां पर जो मेजोरिटी थी वो कांग्रेस की थी, तो कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनके अगेंस्ट में कौन बोलेगा। तो ये अंडर आर्टिकल 352 के बारे में आप थोड़ा सा देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको डेज एंड इवेंट पे ले जाते हैं, डेज एंड इवेंट। चलिए, अविश्वास प्रस्ताव, बिल्कुल सही आप लोग बोल रहे हैं। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो इंटरनेशनल माइग्रेशन डे जो है वो 18 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, आप यहां पर देख पा रहे हैं। तो जब भी मैं डेज पढ़ाता हूं, मैं दो बातें बोलता हूं आपको, एक तो याद रखना है कि कौन सा दिवस किस दिन सेलिब्रेट होता है और इस बार की थीम क्या थी। तो आगे देखिए, तो थीम आपको यहां पर कंप्यूटर जी दिखा भी रहे हैं। तो इंटरनेशनल माइग्रेशन डे जो है वो 18 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है और इस बार की थीम क्या है, माइग्रेशन विथ डिग्निटी। माइग्रेशन विथ डिग्निटी इस बार की थीम है। ये थीम आपको लर्न कर लेनी है, एग्जाम में थीम पे बड़े क्वेश्चन पूछे आते हैं। डेज एंड इवेंट आई होप कि आपने नोट कर लिए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे इस बार के जनवरी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे हैं। और ये जो देखिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस की बात हो रही है, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। और इस बार 2019 का जो प्रवासी डे है वो सेलिब्रेट कहां पर होगा, तो आपको पता होगा वो सेलिब्रेट होने वाला है वाराणसी में, इसे आप याद कर लीजिएगा। तो 2019 का प्रवासी भारतीय डे जो है वो वाराणसी में सेलिब्रेट किया जाएगा, इसे याद करिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, तो सारे डेज आप आज ही याद कर लीजिएगा, दिसंबर और जनवरी के डेज कई बार आपको अपने शो में हम दिखा चुके हैं और हम होप करते हैं कि जो भी हम दिखाएंगे वो आप करेंगे, आज का आज खत्म करेंगे उसे। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इंटरनेशनल अफेयर्स की। और फ्रांस ने बड़ी इंटरनेट कंपनीज पर एक टैक्स इम्पोज किया है, इस टैक्स का नाम क्या है वो आगे आपको हम दिखाने के लिए जा रहे हैं। फ्रांस का कहना यह है कि जो ये बड़ी कंपनी है ये यूरोप से बहुत पैसे अर्न करती हैं, तो अगर ये पैसे अर्न कर रही हैं तो यूरोप के डेवलपमेंट के लिए इन्हें कुछ ना कुछ तो टैक्स देना चाहिए। तो फ्रांस एक ऐसा देश बन गया है जो इंटरनेट कंपनी पर अपना टैक्स इम्पोज कर रहा है, और इस टैक्स का नाम क्या होगा आगे आप देखिए। यहां पर देखिए, तो फ्रांस विल इंट्रोड्यूस इट्स ओन टैक्स ऑन लार्ज इंटरनेट टेक्नोलॉजी कंपनीज फ्रॉम 1 जनवरी। तो 1 जनवरी से ये इंपोज किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं द नेम ऑफ द टैक्स इज गाफा टैक्स। गाफा, अब ये गाफा का मतलब क्या हुआ, तो जी का मतलब गूगल, ए का मतलब एप्पल, एफ का मतलब फेसबुक और ए का मतलब अमेजोन। तो ये इन कंपनी के नाम पर इस टैक्स का नाम पड़ा है गाफा टैक्स, GAFA, गाफा, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ जी, गाफा टैक्स। ठीक, तो द एम ऑफ द इम्पोजिंग द टैक्स इज टू इंश्योर दैट द ग्लोबल जायंट पे अ फेयर शेयर ऑफ टैक्सेस ऑन द मैसिव बिजनेस ऑपरेशन इन यूरोप। वही जो मैं आपसे बात कर रहा था कि भाई इतने पैसे अर्न करते हैं तो इन्हें कुछ तो टैक्स देना चाहिए, ये फ्रांस का कहना है। ठीक, तो हिंदी में वही सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए पहले भी। आगे बढ़ते हैं और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टैक्स के बारे में देने जा रहे हैं, ये उन बच्चों के लिए है जो थोड़ा और डीप में पढ़ना चाहते हैं। तो आपको हमने वेरियस काइंड ऑफ टैक्सेस यहाँ पर दिए हैं जो आपको हमारे PDF में मिल जाएगा। कई सारे बच्चे बोल रहे हैं मुझसे कि PDF डाउनलोड नहीं हो रही है, मैंने खुद चेक किया यार, तो मैंने मोबाइल पर भी और अपने लैपटॉप से भी मेरा PDF डाउनलोड हो गया। अगर कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं तो हम चेक कर रहे हैं, मे बी आज हम रिसॉल्व कर लें अगर कोई दिक्कत है तो। ठीक, सारे टैक्सेस आपको हमने यहां पर समझाए हुए हैं, आप देखिए पूरे टैक्सेस की डेफिनेशन आपको दी हुई है, आप टैक्सेस की डेफिनेशन आराम से पढ़ सकते हैं, बिकॉज अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत टाइम लगने वाला है बेटा। ठीक है, चलिए तो देख लीजिए। हाँ, टोबिन टैक्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, टोबिन टैक्स। और अगर हम बात करें टोबिन टैक्स की, तो बेसिकली ये फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन पे लगती है, ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है टोबिन टैक्स। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ेंगे और
एक और टैक्स देखिए यहाँ पर ये है, तो सारे टैक्सेस की एक नोट्स बना लीजिएगा, आपके लिए ज़रूरी है अगर आपको टैक्स में इंटरेस्ट है तो, ठीक है। चलिए, कैपिटल गेन टैक्स है, सेस क्या होता है, सेस के बारे में कई बार आपने सुना होगा, तो आपने ये पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। चलिए गूगल के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। गूगल, तो गूगल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है, सीईओ सुंदर पिचाई है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, फाउंडर लैरी पेज हैं, सर्जरी ब्रिन है, ये देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल, तो गूगल की बात हमने यहाँ पे कर ली है, और अभी हम आगे आपको दिखाने जा रहे हैं और कौन कौन से फर्म्स हैं जिनका स्टैटिक पॉइंट आपको यहाँ पे मालूम चल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट अमेजन की बात करें, तो अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस हैं, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है, चेयरमैन जेफ बेजोस हैं, सीटीओ वर्नर वोगेल्स हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए फेसबुक की बात करें, तो हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है, चेयरमैन एंड सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं, ठीक। और अगर हम आगे और बढ़ते हैं, एप्पल की बात करते हैं, तो एप्पल के सीईओ कौन है, टिम कुक हैं, ये चीज़ आप देख लीजिए। और एप्पल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है, कैलिफोर्निया को सिलिकॉन वैली ऐसे ही नहीं बोला जाता, सारी आईटी सिस्टम कंपनियां आपको कैलिफोर्निया में ही मिलेंगी, सबसे बड़ा आईटी हब है कैलिफोर्निया, उसके बाद इसराइल में है, ठीक। और इंडिया में बेंगलुरु को हम सिलिकॉन वैली बोलते हैं, बिकॉज हमारे देश में बेंगलुरु में सारे आईटी फर्म्स हैं, आपको ये पता होगा। चलिए आगे बात करते हैं, गवर्नमेंट स्कीम की बात करेंगे यहाँ पर, गवर्नमेंट स्कीम में क्या क्या चीज़ें हैं, तो सीसीईए के बारे में भी कई बार हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है ना, तो सीसीईए ने ट्राइबल स्कूल्स की अप्रूवल दे दी, और ये ट्राइबल स्कूल क्या होते हैं, एकलव्य स्कूल होते हैं, तो एकलव्य स्कूल को अप्रूवल मिल चुका है, उसके बारे में हम बात आपसे करने के लिए जा रहे हैं। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसके हेड कौन होते हैं, हमेशा प्राइम मिनिस्टर, तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल फॉर ट्राइब्स को मंजूरी दे दी है, ठीक है। देखिए इसमें क्या आपको समझना है, देखिए द स्कूल विल सेट अप इन एवरी ब्लॉक, ठीक। यहाँ ब्लॉक का मतलब क्या होता है, अगर आप यूपी बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपको ब्लॉक प्रमुख का चुनाव याद होगा, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव मतलब एक तरह से पूरा एकदम जबरदस्त चुनाव होता है। मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ, तो मतलब हम लोग के साइड में चुनाव लड़े जाते हैं, तो ब्लॉक का मतलब कुछ गाँव को मिला के ब्लॉक बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एवरी ब्लॉक विथ मोर देन 50% शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मतलब ऐसे ब्लॉक जहाँ पर 50% या उससे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो वहाँ पर ये स्कूल बनाए जाएंगे। या फिर अगर हम बात करते हैं किसी भी पॉपुलेशन की जहां पर 20,000 से ज्यादा ट्राइबल्स हैं, तो वहां पर एकलव्य स्कूल बनाए जाएंगे। आपको ये दोनों बातें याद रखनी होंगी, बिकॉज ये दोनों बातें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के बारे में बात कर ले, मैंने आपको बताया कि इसको लीड कौन करता है, इसको लीड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। देखिए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बात करें, इज वन ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूट बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स में से कुछ लोग को चूज करती है और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स बनाती है, जो कि प्राइम मिनिस्टर के किए गए कार्यों को अप्रूवल देती है। जैसे आप सुनते होंगे ना कि सीसीए ने इस देश के साथ एमओयू को मंजूरी दी, तो मंजूरी वाली बात यहाँ पर हो रही है। इनके फंक्शंस क्या है आप यहाँ पर देख पाओगे, कई बार हमने अपनी क्लास में इसके बारे में बात की है, तो फंक्शंस आपको समझना चाहिए आराम से बैठकर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए सीसीए के बारे में हमने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, आप चाहे तो इसे आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार सीसीए की बात करते हैं, सीसीए ने अप्रूव किया है एग्जिस्टिंग उज्ज्वला एलपीजी स्कीम एक्सटेंडिंग, मतलब कि उज्ज्वला स्कीम को आगे बढ़ाने का जो भी फंक्शन होगा वो सीसीए ने अप्रूव कर दिया कि हाँ हमें उज्ज्वला स्कीम को आगे बढ़ाना है। उज्ज्वला स्कीम में मेनली रूरल एरियाज की जो वुमेन होती हैं, जो गरीब पर्सन होते हैं, उनको विदाउट एनी कॉस्ट फ्री में एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है, ये आपको पता है। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि उज्ज्वला स्कीम को किस ईयर में लॉन्च किया गया था, तो उज्ज्वला स्कीम को लॉन्च किया गया था, देख लीजिए यहां पर 2016 में उज्ज्वला स्कीम को 16 में लॉन्च किया गया था, यह इंफॉर्मेशन आपको पढ़नी होगी। और कहां से लॉन्च किया गया था, तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से यह लॉन्च किया गया था। मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको प्रेस दे रहा हूं, ठीक। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जो बेनिफिशियरीज होंगे उनको एक्सपेंशन का अप्रूवल मिल गया है कि और लोगों को इस स्कीम में हम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए तो स्कीम की बात करें, 2016 में लॉन्च हुई और मेनली ये गरीबी रेखा से नीचे जो ग्रामीण परिवार हैं उनके लिए ये स्कीम अलॉट की गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए, द लिस्ट वॉज लेटर एक्सपेंडेड टू इंक्लूडेड ऑल एससी एसटी हाउसहोल्ड एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स एमंग अदर, मतलब क्या बोला जा रहा है कि ऐसे लोग जो वनवासी हैं और एससी एसटी परिवारों के हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा इस लिस्ट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दें, लड़कियां थोड़ा जानती होंगी इससे, लड़के थोड़ा कम जानते हैं, तो लड़कों को इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कई बार क्लास में मैं एलपीजी पूछता था, एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, तो मैक्सिमम गर्ल्स मुझे आंसर करती थी कि सर ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। तो एलपीजी की बात करें, अगर हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर
हम क्या बात करेंगे, वहाँ पर हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की बात नहीं करते, वहाँ पर हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन होता है। लेकिन हाँ, अब यहाँ पर हम बात करेंगे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के बारे में। देखिए, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में क्या क्या होता है, बेसिकली इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं। इनका केमिकल फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन आपको पता है कि इसमें गंध नहीं होती, इसमें कोई मतलब स्मेल नहीं होती। तो स्मेल के लिए इसमें इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है, जो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है उसका भी फॉर्मूला, ठीक है। तो इथाइल मरकैप्टन याद कर लीजिएगा, इससे गंध आती है, जो हम सुनते हैं कि अरे गैस सिलेंडर खुला हुआ है कहीं पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेशनल अफेयर्स की बात करेंगे। शुभम शुभाशीष बोल रहे हैं कि 16 साल से कुकिंग कर रहा हूँ। भाई बहुत बढ़िया बात है, कुछ बनाकर भिजवा दो यार हम लोग को भी, कभी कुछ बनाओ और टेस्टबुक का सर्च करो, मतलब कहाँ पे एड्रेस है, और भेज दो, हम लोग भी खा लें 16 साल से। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुड मॉर्निंग सबको। यहाँ पर देखिए, पीएम मोदी लॉन्च प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट लॉन्च किया, कितने अमाउंट का लॉन्च किया ये आपको याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग प्रोजेक्ट वर्थ रुपीज 41,000 करोड़। आपके एग्जाम में ये बनेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग सेक्टर के लिए कितने अमाउंट की स्कीम लॉन्च की गई, 41,000 करोड़ रुपए की। और देखें, ही ऑल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ टू इंपॉर्टेंट मेट्रो कॉरिडोर, कौन कौन सा, पहला ठाणे भिवंडी कल्याण मेट्रो और दूसरा दहिसर मीरा भयंदर मेट्रो। ये दो मतलब फाउंडेशन स्टोन रखा दो मेट्रो का, जो आपको हमने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी। तो 41,000 करोड़ रुपीज़ आपको याद रखना है महाराष्ट्र में, और किस प्रोजेक्ट के लिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए। ये बातें आपको यहाँ पर याद रखने वाली हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के स्टैटिक पॉइंट हमने कई बार आपको बताए हुए हैं, अभी तक आपको महाराष्ट्र के नेशनल पार्क याद होने चाहिए, महाराष्ट्र के डैम याद होने चाहिए, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है, गवर्नर कौन है, ये सब कई बार हमने बात की हुई है। इसका महाराष्ट्र का डांस कौन सा है, तो लावणी यहाँ का बड़ा फेमस डांस है, तो ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए, महाराष्ट्र में कितने यूनेस्को हेरिटेज साइट हैं, महाराष्ट्र में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, महाराष्ट्र में कितने पोर्ट हैं, ये सब आपको तुरंत आज याद करके ही सोना है, एक बात समझ लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेशनल अफेयर्स की बात करेंगे। यहां पर तो कैबिनेट ने अप्रूव किया है दो नए एम्स के एस्टैब्लिशमेंट का। तो हमारे देश में दो नए एम्स फिर से बनने जा रहे हैं, एक बनेगा तेलंगाना में और एक बनेगा तमिलनाडु में। तो दो नए एम्स को मंजूरी मिली है, आइए उसकी बात करते हैं, क्या क्या आपको यहां पर देखना है। चलिए, तो यहां पर जो भी मुंबई के लोग हैं, कल्याण के लोग हैं, उनको बधाई हो, उनको बहुत बहुत। चलिए, तो यूनियन कैबिनेट अप्रूव द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टू न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एट मदुरई तमिलनाडु, एंड सेकंड की बात करें तो दूसरा हमारा जो है वो बिबिन नगर है तेलंगाना। तो तेलंगाना और तमिलनाडु में दो नए एम्स को अप्रूवल मिल चुका है, और ये जो एम्स बनेंगे ये अंडर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत बनेंगे। तो मे बी आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह बने कि दो नए एम्स बनने वाले हैं वो किस स्कीम के अंडर में बनेंगे, तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंडर में बनेंगे, ये पॉइंट आपको समझना है। तो कितने एम्स बन चुके हैं और किस किस ईयर में बने हैं ये भी जानना आपका अधिकार है। तो आइए देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको हम देना। देखिए, तो जो दिल्ली वाला एम्स है वो 1956 में बना था न्यू दिल्ली में, उसके बाद भोपाल वाला 12 में बना, भुवनेश्वर 12, जोधपुर 12, पटना 12, मतलब 2012 में बहुत सारे एम्स बने, 2018 में एक देखिए और एक नागपुर। तो मंगलगिरी में और नागपुर में 2018 में दो नए एम्स बने हैं, यानी कि अगर आप काउंट करें तो दो नए एम्स और बन रहे हैं। तो आप काउंट यहाँ पे देख सकते हैं कितने एम्स हमारे देश में हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट एग्रीमेंट पैक्ट और एमओयू की बात करें, कल हमने बात की थी कि नरेंद्र मोदी जी मालदीव गए थे और मालदीव में उन्होंने क्या किया था, और आज देखिए इंडिया एंड मालदीव साइंड एग्रीमेंट। तो नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था फाइनेंशियल असिस्टेंस देने को मालदीव को कल, और आज यहाँ पर हम फोर एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। यानी अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने कि इंडिया और मालदीव के बीच में कितने एमओयू साइन हुए, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे फोर एमओयू साइन हुए, ठीक। फोर एमओयू कैसे, आइए देखते हैं आगे। देखिए, तो इंडिया और मालदीव के बीच में चार पैक्ट साइन हुए हैं, और ये कौन कौन से एरियाज हैं, तो देखो पहला कल्चर, दूसरा एग्री बिजनेस, तीसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और चौथा इजी फैसिलिटेशन ऑफ वीजा, इजी फैसिलिटेशन ऑफ वीजा। तो चार सेक्टर, फिर देखो कल्चर, एग्री बिजनेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इजी फैसिलिटेशन ऑफ वीजा, ये चार नए सेक्टर्स के लिए मालदीव और इंडिया के बीच में एग्रीमेंट साइन हुए हैं। तो मालदीव का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए, वो मैं कल आपसे डिस्कस कर चुका था। तो देखिए आगे, मालदीव के बारे में आपको कुछ स्टैटिक पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन दें, तो कैपिटल माले,
करेंसी मालदीवियन रुफिया और प्रेसिडेंट कौन है इब्राहिम मोहम्मद सोली हैं। तो अगर आपने मेरा करेंसी का पहला पार्ट देखा होगा तो मैंने शायद रुपीस का ट्रिक बताया था कि रुपीस को हम कैसे याद कर सकते हैं। तो वहां पर मैंने ट्रिक आपको बताई थी मामा मामा श्री ने भाई से पाक मांगा, ऐसा कुछ ट्रिक था आपने देखा होगा। मामा श्री ने भाई से पाक मांगा, तो मामा मॉरिशस मालदीव श्रीलंका नेपाल भारत और आई का मतलब इंडोनेशिया, भाई है ना इंडोनेशिया सेशल्स पाकिस्तान इन सब जगहों पे रुपीस चलता है। ये ट्रिक मैं पढ़ा चुका हूँ तो अगर आपने नहीं भी देखा है तो आप वो देख सकते हैं। तो इन देशों में रुपया चलता है, ठीक है। तो मॉरिशस मालदीव श्रीलंका नेपाल भारत इंडिया इंडोनेशिया आई मीन्स इंडोनेशिया सेशल्स पाकिस्तान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो मालदीव का लोकेशन आपको यहाँ पर हमने कल भी दिखाया था कि मालदीव हिंद महासागर में हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है, इसीलिए इंडिया मालदीव के लिए इतना कुछ कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एमओयू की बात करते हैं। एमओयू की बात करें यहाँ पर एमओयू विथ अफगानिस्तान ऑन एजुकेशन अप्रूव। तो इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ एजुकेशन पे एक एग्रीमेंट साइन किया होगा जिसे सीसीए ने अप्रूव कर दिया, और इस एग्रीमेंट के थ्रू क्या हो सकता है, एक तो अफगानिस्तान के स्टूडेंट इंडिया आ सकते हैं, दूसरा अगर वो आना न चाहें तो गवर्नमेंट का एक ऑनलाइन पोर्टल है स्वयं, तो स्वयं में ये अपने आप को रजिस्टर्ड करके स्वयं से पढ़ाई कर सकते हैं। तो आइए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर हम दे रहे हैं। देखिए भैया, यूनियन कैबिनेट ने इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच जो एमओयू साइन हुआ था उसको फील्ड ऑफ एजुकेशन में उसको अप्रूवल दे दिया है, ठीक। और यही बोला गया है कि देखो स्वयं पोर्टल की बात यहां पर हुई है कि अफगानिस्तान के जो स्टूडेंट हैं ये अपने आप को स्वयं पोर्टल में रजिस्टर करके जो हाई लेवल के एग्जाम्स होते हैं हाई लेवल की पढ़ाई होती है वो पढ़ सकते हैं आप वहां पर बैठे बैठे। तो स्वयं के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन, आपके लिए टास्क है कि आप स्वयं के बारे में इन्फॉर्मेशन लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म क्या है, ये कब किस बजट में इसके बारे में बोला गया था, ये टास्क आपका आज रहेगा। स्वयं के बारे में इन्फॉर्मेशन रखना, आप देखिएगा इसे, ठीक है। स्वयं इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम डिजाइन टू अचीव एक्सेस इक्विटी एंड क्वालिटी इन एजुकेशन। तो स्वयं के बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन रखनी होगी और मैं कल आपसे पूछूंगा भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अफगानिस्तान के बारे में बात करें तो अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल है, करेंसी अफगान अफगानी है और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अशरफ घनी, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और अफगानिस्तान किन देशों से घिरा हुआ देखिए, तो यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान तजाकिस्तान यहाँ पे पाकिस्तान ईरान और ये इतना अफगानिस्तान का पूरा हिस्सा घिरा हुआ है। तो यहाँ पर ईरान में इसीलिए क्या हुआ है, इंडिया ने चाबहार पोर्ट डेवलप किया है कि इंडिया के जो शिप्स हैं वो बाई सी चाबहार पहुँचेंगे, वहाँ से अफगानिस्तान वहाँ से उज्बेकिस्तान फिर रशिया और यूरोप में पहुँच जाएंगे। तो अफगानिस्तान का ज्योग्राफिकल पोजीशन भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और साथ से ईरान का भी होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अफगानिस्तान के बारे में बात करें तो देखिए इंडिया जो था वो पहले अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का एक बाउंड्री शेयर करता था, लेकिन अब जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में चला गया है तो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में डायरेक्टली लिंक नहीं है और इसे हम ड्यूरेंट लाइन बोलते थे, ठीक है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन होगी पहले से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपॉइंटमेंट की बात करेंगे, अपॉइंटमेंट आपके सामने यहाँ पर देखिए, तो उदय शंकर जो हैं ये इलेक्ट हुए हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की। तो फिक्की के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये हमारे देश में इंडस्ट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्रुप है, तो फिक्की के वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं उदय शंकर। अब ये उदय शंकर हैं कौन, इसके बारे में आपको हम इन्फॉर्मेशन देने आ रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जो ये रही देखिए। तो उदय शंकर बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की, ठीक। अब देखिए ये है कौन, तो ही इज करेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ 21st सेंचुरी फॉक्स, ये तो आप जानते ही होंगे मूवीज देखते होंगे, तो एशिया एंड चेयरमैन एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ स्टार इंडिया। तो ये स्टार इंडिया के भी क्या है, चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। तो स्टार इंडिया आप जानते ही हैं, तो ये हैं आपके उदय शंकर जिनकी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी। तो ये फिक्की के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है। थोड़ा सा फिक्की के बारे में इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर जी ने आपको यहाँ पर दिया है, फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये एक एसोसिएशन है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया में, ठीक है, और ये गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक बात आपको ये भी समझनी पड़ेगी। तो सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने, जीडी बिरला जी ने और पुरुषोत्तम दास ने ये एक एडवाइस दिया था कि हमारे देश में इंडस्ट्रीज के लिए एक बॉडी होनी चाहिए, तो फिक्की का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। तो ये देखिए 1927 में इसीलिए एस्टैब्लिश हुआ था, इट इज नॉन गवर्नमेंट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आपको यहाँ पर दिखाई पड़ भी रहा है। आगे बढ़ते हैं, तो फिक्की के बारे में देखिए, फॉर्मेशन 1927, इसके फाउंडर कौन है, घनश्याम दास बिरला एंड पुरुषोत्तम दास जी इसके फाउंडर हैं, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, इसके प्रेसिडेंट कौन है संदीप सोमैनी और सेक्रेटरी जनरल कौन है दिलीप चिनॉय, आप यहां पर देख पा रहे हैं। तो ये सब चीजें आपको लर्न होनी चाहिए। आगे बढ़ते हुए अपॉइंटमेंट की बात करेंगे, देखिए
केंद्र सरकार ने अपॉइंट किया है माधवी दीवान को SASG। अब ये ASG का मतलब क्या होता है? तो ASG का मतलब होता है, आपके नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, तो ASG का मतलब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अपॉइंट किया गया किसको? माधवी दीवान को, जो कि दीवान विल रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि दीवान जो है, ये जो ये हैं लेडी हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट का पक्ष रखेंगी, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार हमारे देश में अटॉर्नी जनरल भी होता है, हमारे देश में सॉलिसिटर जनरल भी होता है, तो अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल में डिफरेंस क्या है? और जब सॉलिसिटर जनरल होता है तो फिर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल क्यों अपॉइंट किया जाता है? तो इस सवाल के सारे जवाब एक ही है यार, कि एक बंदा हर काम नहीं कर सकता है। मतलब क्या है, मैं आपको आगे समझाता हूं। देखिए यहां पर, तो देखिए, तो अगर हम बात करें तो यहां पे थर्ड वुमन लिखा हुआ है, तो माधवी दीवान जो है ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अपॉइंट होने वाली तीसरी महिला है, पहली बात। अब देखिए यहां पर, तो वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह जो थी, ये पहली वुमन थी अपॉइंट होने वाली एज एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको हम इंफॉर्मेशन देने वाले हैं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो हैं ये कौन होते हैं, और ये इनके बीच में सॉलिसिटर जनरल से क्या डिफरेंसेस हैं। तो अटॉर्नी जनरल की बात करें तो प्रेजेंट में कौन है, देखिए के वेणुगोपाल हैं। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लीगल एडवाइजर होते हैं। गवर्नमेंट को किसी से लीगल एडवाइस लेना है तो कौन होगा? अटॉर्नी जनरल होगा। आप कह सकते हैं एक तरह से कि लीगल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक। और देखिए, ही इज अपॉइंटेड बाई द कंट्रीज प्रेसिडेंट एज पर द आर्टिकल 76। यानी अटॉर्नी जनरल जो होते हैं ये आर्टिकल 76 के हिसाब से अपॉइंट होते हैं। आप देख लें, के वेणुगोपाल इस समय अटॉर्नी जनरल हमारे देश के हैं, ठीक। और फर्स्ट अटॉर्नी जनरल कौन थे इंडिया के? MC स्टिवल्ट, यहां पर लिखा हुआ, इनका नाम भी लिखा हुआ, ठीक है। तो ये तो इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई कि ये क्या होते हैं, ये बेसिकली लीगल एडवाइजर होते हैं। आगे देखिए, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया? तो देखिए, द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज सबॉर्डिनेट टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यानी कौन ऊपर है, आपको ये बात समझ में आ गई? तो ये जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं ये सबॉर्डिनेट होते हैं अटॉर्नी जनरल के, क्योंकि अटॉर्नी जनरल के पास बहुत सारे लीगल काम होते हैं। तो अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई केस करता है तो कौन रिप्रेजेंट करेगा? अगर अटॉर्नी जनरल बिजी है तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल के बारे में एक बात मैं आपको बता दूं कि अटॉर्नी जनरल जो है ये हमारे देश के सबसे बड़े लीगल एडवाइजर होते हैं गवर्नमेंट के, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता, इनका नया अपॉइंटमेंट है, आप लोग जानते हैं इनके बारे में। तो तुषार मेहता भी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया चुने गए हैं, ये आपको पता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवार्ड एंड ऑनर की बात करेंगे। अवार्ड एंड ऑनर आपके सामने यहां पर है, और इनको आप जानते होंगे, बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज में आपने इनको देखा भी होगा, है ना। तो इनका नाम है जेफ ब्रिजेस। तो जेफ ब्रिजेस विल बी अवार्डेड सेसिल बी डिमिल अवार्ड। अब किस अवार्ड फंक्शन में इनको ये अवार्ड मिला, आगे देखते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन पूरी देते हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर जी, हम स्लाइड चेंज करेंगे और स्लाइड हमारी यहाँ पर बस आने वाली है। देखिए, तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको हम देते हैं कि आप अगर केवल हमारा करंट अफेयर शो फॉलो करें तो आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब तैयार हो जाएगा। और जो करंट के पॉइंट हैं, जैसे इस बार RPF के और रेलवे के एग्जाम में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के करंट अफेयर्स पूछने को बोला है, तो यही सारे पॉइंट आपको हेल्प करेंगे वहां पर, ठीक है। देखिए, तो वेटरन एक्टर जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है जेफ ब्रिजेस, विल रिसीव द तो सेसिल बी डिमिल अवार्ड इन एट द 76th एनुअल गोल्डन ग्लोब अवार्ड। तो 76वें एनुअल गोल्डन ग्लोब अवार्ड में इनको सेसिल डिमिल का अवार्ड दिया गया है। ये काफी वेटरन है, मतलब अनुभवी अभिनेता है जेफ ब्रिजेस, ठीक। तो ब्रिजेस के बारे में बात करें तो इन्हें पहला गोल्डन ग्लोब जो नॉमिनेशन मिला था वो 1984 में स्टारमैन से मिला था। हालांकि मुझे लगता नहीं कि इतने डीप में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ये आप देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे नेक्स्ट पॉइंट की। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2018 में कौन किस किस मूवी को अवार्ड मिले हैं, ये आपको हमने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी है। बेस्ट फिल्म की बात हमने की है, बेस्ट फिल्म म्यूजिकल और कॉमेडी की बात की है, बेस्ट ड्रामा सीरीज, बेस्ट म्यूजिकल और कॉमेडी सीरीज, बेस्ट मिनी सीरीज, मोस्ट अवार्डेड एंड मोस्ट नॉमिनेशन। तो इसे आप आज खत्म कर लीजिएगा, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, गोल्डन ग्लोब, ऑस्कर, महाराष्ट्र के स्टडिक पॉइंट, ये सब आज ही आपको कंप्लीट करने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स की बात करते हैं। तो जहीर खान के लिए अच्छी खबर आई है। जहीर खान इज मुंबई इंडियंस डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट। तो जहीर को मुंबई इंडियंस के क्रिकेट निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है, बड़ी अच्छी खबर आ रही है, ठीक है। देखिए,
तो मुंबई इंडियंस अपॉइंटेड फॉर्मर इंडियन बॉलर जहीर खान एज द डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशंस. डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशंस. द मुंबई इंडियंस इज अ फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम बेस्ड इन मुंबई एंड इट इज ओन्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्री. ये तो आपको पता ही है, आईपीएल तो हमारे खून में दौड़ता है ना. और जब भी आईपीएल के सीजन आते हैं, पता नहीं क्यों लड़कों के चेहरे पर अजीब सी चमक आ जाती है और बड़े पैसे भी खर्च करते हैं. अब कहां से आते हैं ये नहीं मालूम है. चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मुंबई इंडियंस के बारे में. तो कैप्टन रोहित शर्मा, कोच महिला जयवर्धने, ऑनर मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, फाउंडेड 2008, होम ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम. और अगर हम बात करते हैं इंडियन प्रीमियर लीग कितनी बार ये जीते हैं, तो ये 3 बार जीते हैं और चेन्नई सुपर किंग के बराबर जीते हैं, 2013 में, 15 में, 17 में. और अगर हम चैंपियंस लीग T20 की बात करें तो 2 बार इन्होंने इसमें जीत हासिल की है. ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी होगी आपके लिए. और नेक्स्ट पॉइंट करेंगे आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे. तो देखिए, आपको मैंने प्रसाद स्कीम के बारे में समझाया है. तो प्रसाद स्कीम के अंतर्गत एक रामायण सर्किट नाम का स्कीम शुरू हुआ है. तो भगवान राम से जुड़े हुए जो जो ऐतिहासिक धरोहर हैं, जो हेरिटेज साइट्स हैं, उनको इसमें चुना जाएगा. देखिए, रामायण सर्किट 50 डेस्टिनेशन आइडेंटिफाई किए गए हैं रामायण सर्किट में. ट्रैकिंग इंडिया, ट्रैकिंग राम इसका नाम है. और 15 डेस्टिनेशन कौन कौन से हैं आपको हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहां पर देंगे. देखिए, तो एज पर द टूरिज्म मिनिस्ट्री 15th डेस्टिनेशन हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर डेवलपमेंट अंडर द रामायण सर्किट. तो रामायण सर्किट का मतलब क्या होगा कि प्रॉपर जहां भी भगवान राम के चिन्ह मिले हैं या कुछ उनसे जुड़े हुए ऐतिहासिक धरोहर हैं जो महत्व के पार्ट हैं, तो उनको डेवलप किया जाएगा. और प्रॉपर इसके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, स्पेशल बस चलाई जाएगी कि एक बार में आप इस 15 डेस्टिनेशन का दर्शन कर सकते हैं. ठीक है, और 15 थेमेटिक सर्किट यहाँ पे वही हो रहा है. स्वदेश दर्शन स्कीम का ये पार्ट है मिनिस्ट्री के स्वदेश दर्शन का पार्ट है. प्रसाद के द्वारा इसे डेवलप किया जाएगा, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं. तो देख लीजिए यहाँ पर. तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के बारे में, तो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज कौन है, के अल्फोंस हैं. और ये मिनिस्ट्री 1967 में फाउंड की गई थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हुए, तो स्कीम बाई मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की बात करें तो प्रसाद देखिए यहाँ पर, इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया है, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी है. और प्रसाद 2015 में शुरू किया गया था. तो एक बार फिर से मैं आपको रामायण सर्किट पे ले चलता हूँ. तो रामायण सर्किट में 15 डेस्टिनेशन को शामिल किया गया है और ये जो है ये स्वदेश दर्शन का पार्ट है. ये स्वदेश दर्शन स्कीम का पार्ट है अंडर द टूरिज्म मिनिस्ट्री, स्वदेश दर्शन का पार्ट है. ठीक है, चलिए अब वापस आते हैं प्रसाद पे. तो प्रसाद को 2015 में लॉन्च किया गया था, ये इन्फॉर्मेशन आपको रखनी है. आगे बढ़ते हुए, तो 12 सिटीज आइडेंटिफाइड फॉर डेवलपमेंट अंडर प्रसाद. और ये 12 शहर कौन से हैं, हमने आपको इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है, आप चाहें तो इसे आराम से पढ़ सकते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. और हाँ, ये इन्फॉर्मेशन तो आपको याद रखनी है. अभी प्रसाद में रिसेंटली कौन कौन से शहर, कौन कौन से जगह को लिया गया है, तो आपको पता है गंगोत्री एंड यमुनोत्री इन उत्तराखंड, अमरकंटक इन मध्य प्रदेश एंड पारसनाथ इन झारखंड. ये नए चीज़ें हैं जो हमने आपको याद एक बार फिर से याद दिला दी. ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और बुक्स एंड ऑथर की बात करेंगे. बुक्स एंड ऑथर, तो प्राइम मिनिस्टर रिलीज द बुक टाइमलेस लक्ष्मण. अब ये टाइमलेस लक्ष्मण क्या मतलब है इसका, तो आगे आपको हम दिखाते हैं थोड़ा सा पॉइंट. देख लीजिए यहाँ पर, देखिए, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज द कॉफी टेबल बुक टाइमलेस लक्ष्मण. तो टाइमलेस लक्ष्मण पे एक कॉफी टेबल बुक लॉन्च की है प्राइम मिनिस्टर जी ने. द बुक इज बेस्ड ऑन द फेमस कार्टूनिस्ट आरके लक्ष्मण, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा. तो आरके लक्ष्मण पर ये आधारित ये बेस एक बुक है जिसका विमोचन, जिसका इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी जी ने अपने हाथों से किया. तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है तो ये इंपॉर्टेंट अपने आप हो गया है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. और 2018 के इंपॉर्टेंट बुक्स का एमसीक्यूज भी मैंने लिया यूट्यूब पर, और यहां पर आपको हम पूरे बुक के और ऑथर के नाम बता रहे हैं 2018 में जो जो बुक्स आई. और आपको इस बुक्स को ये स्लाइड को आज ही कंप्लीट कर लेनी है जितने बुक्स आए हैं. और अगर आपने मेरा बुक्स एंड ऑथर का एमसीक्यूज नहीं देखा है तो प्लीज उसे देख ले, क्योंकि उससे आपको बड़ी हेल्प मिलने वाली है. अब यहां पर देखें, बुक के नेम सारे हमने यहां पर दिए हुए हैं 2018 के, तो आप इसे आराम से बैठे पढ़िएगा. ठीक है, चलिए बहुत सारे बुक्स आपको नए दिखा रहे हैं यहां पर. ठीक है, चलिए अब एमसीक्यूज की बात करेंगे, शुरू करेंगे. तो एमसीक्यूज के पॉइंट यहां पर शुरू हो चुके हैं और आपका पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है. पहला क्वेश्चन, और आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है. देखिए, तो विच हाई कोर्ट हैज क्वेश्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन टू प्रोहिबिट द सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंपोर्ट ऑफ ऑक्सीटोकिन बाई प्राइवेट कंपनीज इन इंडिया ऑन 14 दिसंबर. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑक्सीटोसिन पे बैन लगा दिया था, तो किस हाई कोर्ट ने ये बैन हटा दिया है, ये आपको बताना है. और यहाँ पे सोना अरविंद का पहला आंसर आ गया है. डेली स्पेंडी डेली बोल रहे हैं, सोनिया जी डेली, ठीक है, आरके तो डेली. तो डेली हाई कोर्ट इज राइट आंसर, जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है. डेली हाई कोर्ट इज राइट आंसर गाइस. हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं. सेकंड क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा.
Who among the following were named as the 2018 ITF World Champion by the International Tennis Federation? तो ये कल मैंने आपको पढ़ाया था कि International Tennis Federation World Champion से किसको, किस दो खिलाड़ी को ऑनर किया गया है, ये आपको बताना है. और आई थिंक ये बहुत टफ होने वाला नहीं है. अमन कुमार, पीडीएफ बेटा अटैच होती है, मुझसे तो डाउनलोड हो गई थी. आज देखते हैं, टेक टीम से हमने बात की है, क्या दिक्कत आ रही है. कुछ टेक्निकल ही फॉल्ट होगा और वो हमारे साइड से भी नहीं है बेटा, वो शायद मे बी यूट्यूब के साइड से हो. देखिए क्या इसका आंसर होगा, आके ये बताना है आपको. एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, नोवाक जोकोविच एंड सिमोना हेलेप. नोवाक जोकोविच सर्बिया खिलाड़ी हैं और सिमोना हेलेप जो है वो रोमानिया की खिलाड़ी हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं आपके सामने यहाँ पर. Who has honored with the French Knight of the National Order of Merit on 14 December 2018? तो French Knight of National Order of Merit से किसको सम्मानित किया गया, ये आपसे पूछा गया है. हमारे सामने 5 ऑप्शन है और राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अशोक अमृतराज. जी हाँ, अशोक अमृतराज इज राइट आंसर, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आने वाला है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4. वेयर वॉज सॉलिडरेथन फ्लैग्ड ऑफ सोल्जराथन फ्लैग्ड ऑफ बाई स्पोर्ट्स मिनिस्टर कर्नल राज्यवर्धन राठौर ऑन 16 दिसंबर. हमने कल इसकी बात की थी कि सोल्जराथन से जो पैसे मिलेंगे वो या तो ऐसे हमारे सैनिक जो कि शहीद हो गए थे या फिर जिनके कुछ फिजिकल प्रॉब्लम हुई या फिर कुछ अंग उनका भंग हो गया, तो उसके लिए ये रखा गया था. एंड द आंसर इज दिल्ली. दिल्ली इज राइट आंसर. जी हाँ, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन आपको दे पा रहे हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन 5 की बात करते हैं. Prime Minister Narendra Modi announced $1.4 billion financial assistance to which country? ये अभी हमने बातों में बात की थी कि ये देश को हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इतना फंड दे रहे हैं बिकॉज ज्योग्राफिकल लोकेशन से ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, आपको याद होगा पक्का. और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है मालदीव. जी हाँ, मालदीव इज राइट आंसर, जो आप दे पा रहे हैं. आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने यहाँ पर. और भूलिएगा नहीं, शाम को 5 बजे हमारा 101 शुभ शुभ MCQs आ रहा है सितंबर मंथ का. और अगर आपको हमारा करंट अफेयर शो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कुछ सजेशन देने और सजेशन भी दें. हमारी मेल आईडी आपको यहाँ पर दिख रही है और हम ऐसा शो बना रहे हैं, लिटरली विश्वास करिए, कि जिसमें आपके इतने पॉइंट हम कवर करते हैं कि आपको एग्जाम में दिक्कत ना होने पाए. चलिए और इसका आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल सही आंसर है विराट कोहली. विराट कोहली इज राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री एक्ट चेन्नई हैज ग्रांटेड GI टैग टू, यहाँ पर सिलाव खाजा की बात हो रही है, ऑन 11 दिसंबर. सिलाव खाजा इज द ट्रेडिशनल डिलेक्सी ऑफ तो विच स्टेट, ये आपको बताना है. तो आपको पता है बिहार स्टेट था और नालंदा डिस्ट्रिक्ट था. बिहार बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर है. चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. तो माउंट सॉप्टन इन विच कंट्री हैज इरप्टेड इजेक्टिंग कॉलम्स ऑफ थिक एश एज हाई ऑफ 7,500 मीटर इन टू द स्काई ऑन 16 दिसंबर. तो हमने कल इसकी बात की थी कि माउंट सोपुतान में विस्फोट हो गया है और ये किस कंट्री में है, ये आपको बताना है. और इसका आंसर क्या होगा, इंडोनेशिया. इंडोनेशिया इज राइट आंसर, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने यहाँ पर. Who won the Miss India Worldwide 2018 title at the 27th annual Global Pageant competition held in New Jersey on 15 December 2018? तो न्यू जर्सी में आयोजित 27th वार्षिक वैश्विक पेजेंट प्रतियोगिता में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड खिताब किसने जीता, और ये हमने पढ़ा हुआ है और आपको ये सब याद भी होगा. और इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है श्री सैनी. श्री सैनी इज राइट आंसर, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड, फैंटास्टिक. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. रिसेंटली अरुण भादुरी पास्ड अवे ऑन 17 दिसंबर. ही वॉज अ फेमस, मतलब कि आपको किसी फेमस पर्सनालिटी का नाम दिया जाएगा एग्जाम में और वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, ये आपसे पूछा जाएगा. और इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सिंगर. तो ये सिंगर थे, आपको ये पता, कल मैंने पढ़ाया था आपको. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं. Who among the following has been restored to the office of Prime Minister for Sri Lanka by the country's president on 16 December? तो ये चीज़ हमने आपको बताई हुई है कि देश के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसे श्रीलंका के प्रधानमंत्री के कार्यालय में बहाल किया गया है. कल की बात है ये. और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है रानिल विक्रम सिंघे. आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक मिनट रुकिए जरा सा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लगा दे रहा हूँ. चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है.
Which country won the Hockey World Cup 2018 in Bhuneshwar on 16 December? तो ये भी आपको कल पढ़ाया गया है. हारा कौन है? नीदरलैंड. नीदरलैंड फर्स्ट रनरअप था. जीता कौन है? तो इसका आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फोर. ऑप्शन नंबर फोर बेल्जियम. बेल्जियम इज राइट आंसर, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं. बिल्कुल सही. फैंटास्टिक बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे. वेयर डिड द 37th सीनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप बिगिन इन ऑन 17 दिसंबर? तो सीनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप जो है ये कहाँ पर शुरू हुआ, ये आपसे पूछा गया है. मैंने आपको बताया था कि 2019 के लिए क्वालिफाइंग होगा, कौन सी जो खिलाड़ी अच्छा खेलेंगे. और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री, महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में पुणे. महाराष्ट्र में पुणे सही इसका आंसर होगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. क्वेश्चन 14. Who won the बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर फाइनल टूर्नामेंट ऑन 16 दिसंबर? और ये तो आपको पक्का याद होगा, क्या इसका आंसर होना चाहिए. ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है पीवी सिंधु. पीवी सिंधु इज राइट आंसर. आप यहां पे देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर टू. ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर. गाइज आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे. हु वॉज नेम्ड मिस यूनिवर्स 2018 इन द पेगनेंट कॉम्पिटिशन इन बैंकॉक? तो ये भी आपको पढ़ाया गया है कि मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता जो कि बैंकॉक में कॉम्पिटिशन हुआ. एंड द आंसर इज, जी हाँ बिल्कुल, आंसर क्या है? आंसर है कैट्रियोना ग्रे. कैट्रियोना ग्रे इज राइट आंसर. ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. भूपेश बघेल टुक द ओथ एज द चीफ मिनिस्टर फॉर विच स्टेट? बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन में टाइम देना थोड़ा सा है नहीं है, क्योंकि हमें पता है इसका आंसर क्या होगा. इसका आंसर है उत्तर छत्तीसगढ़. और ये छत्तीसगढ़ के तीसरे चीफ मिनिस्टर बने हैं, आपको ये मैंने बताया था. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए 17 क्वेश्चन की बात करते हैं. तो वेयर हैज़ द इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर द इंडियन ओशियन रीजन बीन एस्टेब्लिश्ड बाय द इंडियन नेवी? तो इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर को कहाँ पर नेवी ने बनाया है, ये आपसे पूछा गया है और आपको इसका आंसर देना है, क्या इसका आंसर होगा. एंड द आंसर इज, जी हाँ बिल्कुल सही, आंसर क्या है? हरियाणा. हरियाणा में कहाँ? चंडीगढ़. हरियाणा में कहाँ? चंडीगढ़ इज राइट आंसर, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन. द सेवर साइक्लोन स्टॉर्म, आपको नाम बताना है, स्ट्रक आंध्र प्रदेश नियर काकीनाडा ऑन 17 दिसंबर विथ अ विंड स्पीड ऑफ 70-90 किलोमीटर पर आवर. तो आंध्र प्रदेश के तट पर काकीनाडा में एक तूफान पहुंचा है, आपको इसका नाम बताना है, क्या इसका नाम होना चाहिए. और इसका नाम क्या होना चाहिए? जी हाँ, इसका नाम है फेठई. ऑप्शन नंबर थ्री आप देख पा रहे हैं सही आंसर है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. विच स्टेट हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द कृषि कर्मन अवार्ड 2018? थोड़ा पुराना क्वेश्चन है बट ये रिवीजन के लायक क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो कृषि कर्मन अवार्ड किस स्टेट को दिया गया है 2018 का, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ वैसे. और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर झारखंड. झारखंड इज राइट आंसर, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following ministries launch ECO Nivas Samhita 2018 on 14 December? तो किस मिनिस्ट्री ने ECO Nivas Samhita 2018 लॉन्च की थी, ये आपको बताना है. थोड़ा नया क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिला और इसका आंसर क्या होगा? देखिए, अगर आंसर नहीं पता कोई बात नहीं, मैं आपको इसको आंसर दे रहा हूँ. और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ पावर. मिनिस्ट्री ऑफ पावर इज राइट आंसर. तो हमने आज के 20 MCQs भी कंप्लीट कर लिए. तो आई होप कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आप इसे दिल से लाइक करें, शेयर करें. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं. आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि IBPS क्लर्क मेंस का बैच आज शुरू हो रहा है, तो आप चाहें तो हमारे क्लर्क मेंस का बैच परचेस कर सकते हैं. और मेरा इंडिविजुअली GA FA का बैच भी लॉन्च हो रहा है, आप उसी परचेस कर सकते हैं. और कोई दिक्कत नहीं है, आप शाम को 5 बजे भी आ सकते हैं और वहां पर हम 101 शुभ शुभ MCQs की बात करने वाले. बहुत सारे फैकल्टीज और भी हैं जो टेस्टबुक पर आपके लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल सचिन सर हैं हमारे, परिकल्प सर हैं, श्याम सर हैं, प्रतिभा मैम हैं, नितिन सर हैं हमारे, उत्कर्ष सर हैं, सुमित सर हैं, विनीत सर हैं. आप इनकी क्लास भी देखें और इन्हें भी सपोर्ट करें और इनसे भी सपोर्ट लें. सारे के सारे अपने अपने फील्ड में माहिर हैं, आप इनके लिए जरूर आएं और इनसे नॉलेज लें. आप आते भी हैं, बहुत सारे बच्चे आते भी हैं और सबके अपने अपने फेवरेट टीचर्स होते हैं, हम लोग कमेंट में देखते रहते हैं. चलिए, तो बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों से मिलकर, आप लोगों से बातें करके. बस हमें लगता है कि हमारा कोई भी प्रयास आपके लिए अच्छा हो जाए और आपके फ्यूचर को ब्राइट बनाए, तो इसीलिए हम काम करते हैं, इसीलिए टेस्टबुक काम करता है. और टेस्टबुक का एक ही मकसद है कि बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए, जो हमारे देश में एजुकेशन इंडस्ट्रीज में जो कमियां हैं उसको हम कैसे दूर करें. टेस्टबुक का एक नया नाम बच्चों ने दिया है, टेस्टबुक द स्टूडेंट्स चैनल, बच्चों का चैनल जो बच्चों के हिसाब से काम करता है. थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़िए, हिम्मत मत हारिए, गिव अप मत करिए, क्योंकि परेशानियां तो आती हैं और जब तक परेशानियां नहीं आएंगी आप अपना बेस्ट नहीं ला पाएंगे. तो आपको यह दिखाना है कि आपके अंदर ऐसी क्या बेस्ट क्वालिटीज हैं जिसका आप यूज कर सकते हैं और ये केवल आप ही कर पाएंगे, ये कोई आपको नहीं सिखा सकता. तो हमेशा याद रखिए, जिद है तो जिद है, करना है तो करना है.
आई एम वॉट आई एम, आई कैन, आई विल, आई मस्ट. तो हमेशा अपना ख्याल रखिए और अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करिए. मिलते हैं आपसे शाम को 5 बजे हमारे 101 MCQs में. तब तक के लिए गुड बाय और सबका दिन मंगलमय हो. थैंक यू सो मच गाइस.